हम दशम कक्षाया विषय संस्कृत के अंतर्गत जो मैं आपको भूकंप विभीषिका वाला जो पाठ पढ़ा रही थी उसी के और अनुवादों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कि आपको ये वाला पाठ भूकंप विभीषिका, भूकंप की त्रासदी, ये ललित निबंध है और पाठ है दशम। इसके पहले के जो अनुवाद थे वो मैं आपको पढ़ा चुकी, उसी के आगे मैं पढ़ेंगे और समझेंगे। ज्वालम ज्वालमख पर्वता नाम विस्फोट कई रपी भूकंपो जायत इति कथयन्ति। भूकंप विशेषज्ञा पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्दया खनिज मुक्तिकाशिला दिसंचय क्वथितति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्गत्या धरा परवर्तम वा विदारे बहिर्निष्कामिता धमस्वातम जायते तदा गगनम गगनमा सेल्सियस तापमात्राया अष्टशताकतमपगततोयम् लावारसो यदा नदी वेगेन प्रहवति तदा पार्श्वस्थान ग्रामा नगराणि वा तद्रणे क्षणेनैव समाविश विशांतिया क्षणेनैव समा विशंतिता निहन्यन्ते च विवशा प्राणिनः। यहां पे दिया है कि जो नगराणी वा तद्रदे क्षणे नेव समा विषन्निता विहन्ने विश्वाह प्राणिना। अब यहां देखिए ज्वाला मदिर अंतः एते पर्वतः अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ता। शब्दार्थ भूकंप विशेषज्ञ भूमि कंपन के रहस्य विशेषज्ञ भव कंपनन रहस्य ज्ञातारः। खनिजम यानी भूमि को खोदने से प्राप्त वस्तु, उत्खनन नांत प्राप्त द्रव्यम, क्वत यति उबलती है या ताप तपाती है, उत्तमम करोती उत्तपम करोती यानी तपाना। लावार लावारस सतानाम लावारस के रूप में लावारस रूपेण उपेत बनकर प्राप्त होकर दुर्गत्या तीव्र गति से तीव्र गत्या विदार फाड़कर विदीर्ण कृत्वा विभक्तवा धर्मभस्म आतम धुएं और राख से ढका धूम भस्म आवृत्तम उपगतः पहुंचकर या प्राप्तः पार्श्व स्था ग्राम समीप के गांव निकट स्थान ग्राम उदरे पेट में कक्षो समाविशंति समा जाते हैं यानी अंत गच्छन्ति। अनुवाद भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिजों मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है तब वह सभी लावारस बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलती है। उस समय आकाश धुएं और राख से क्या हो जाता है, ढक जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचकर यह लावारस जब नदी के वेग से बहता है तब समीप के गांव या नगर उसके पेट में क्षण भर में ही क्या हो जाते, समा जाते हैं और विवश प्राणी मारे जाते हैं। आग को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप पैदा करते हैं। तो ये बताया गया है कि जब भूकंप आता है या जो ज्वालामुखी
जो विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है कि जितनी भी खनिज मिट्टी और शिलाओं के समूह को वो उबालती है और वह लावा बनकर यानी तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर क्या होते बाहर निकलती है। इस प्रकार से ये हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी विस्फोट। चलिए आगे पढ़ते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योप शमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते प्रकृति समक्ष मध्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् वहभिक भवन निर्माणं न करणीयम्। तटबंधनं निर्माय बृहन्मानं नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पंजीकरणीयम् अन्यथा असंतल नवशाद भूकंप पस संभवति वस्तुतः शांतानि ही एव पंच तत्वानि क्षिति जल पाव कश्मीर गगनानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते आशांतानि खल तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दार्थ शब्दार्थ उपशमनाय शांत करने का, शांते है स्थिरोपायो स्थिरम उपाय, बामन कल्प है बोने के समान, बामन सदृश भूकंप हस्याज्ञा भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग, भूकंपस्य रहस्यस्य ज्ञाता वह भी भूमिका भवनम बहुमंजिले भवन अन्यंतानि भवनानि तटबंधनम बांध बंधनम है ना, निर्माण बनकर निर्माण कृत्वा बृहन मात्रम बड़ी मात्रा में अधिक अधिक मात्रायाम पंजीकृत करणीयम यानी इकट्ठा करना चाहिए, संग्रहणीयम क्षिति पृथ्वी पृथ्वी योग क्षेमाभ्याम अप्राप्ति की प्राप्ति योग है, प्राप्ति की रक्षा क्षेम उन दोनों के लिए, अप्राप्तस्य प्राप्तिन योग्य प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमताभ्याम तानेन वे ही तानियेव उपस्थापयन्ति उत्पन्न करते हैं उत्पन्नम कुर्वन्ति। आप अनुवाद समझें। यद्यपि भूकंप दैवी प्रकोप है और उसके शांत करने का कोई स्थायी उपाय दिखाई देता नहीं, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य बोने के समान है, जो मनुष्य है वह बोने के समान है, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि बहु मंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। कैसी मंजिलों का? बहु मंजिलों का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना असंतुलन के कारण भूकंप संभव होता है। वास्तव में शांत पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और भूतल पृथ्वी के योग अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त की रक्षा और क्षेम के लिए बने हैं, यानी प्राप्त की रक्षा के लिए बने हैं। वे अशांत होने पर निश्चय ही महाविनाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने अभी इसमें समझा कि जो भूकंप जो होते हैं वह क्या होते हैं? दैवी प्रकोप है और उनको शांत करने का कोई स्थायी उपाय नहीं है। तो यहां पर लोग कहते हैं कि जो विज्ञान है वो भी बौना नजर आता है, क्योंकि कोई स्थायी उपाय आज तक नहीं खोज पाया। दूसरा, बड़ी मात्रा में नदियों बांध बनाकर मतलब पानी जो है इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए,
वरना क्या होगा, असंतुलन के कारण जो है भूकंप संभव होता है। इस प्रकार जो हमने आज आपको पढ़ाया वह था भूकंप विशेषण, भूकंप की त्रासदी। आप इसके अनुवादों को बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे समझेंगे, आगे की क्लास में इसके प्रश्नोत्तर जो है उनको पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा। तब तक आप इनको लिखें, याद करें। धन्यवाद।